ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने आजकल बिग बॉस पे हमला बोला है। बिग बॉस जो कि इन्होंने हमेशा कंट्रोवर्सी में आए थे कि भैया बिग बॉस एकदम बेकार सीरियल है, उसमें कोई नहीं जाना चाहता, और थोड़ी सी पॉपुलैरिटी या थोड़े से पैसे के लिए इन्होंने अपना रास्ता चेंज कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनके पास ऑलरेडी 4 बॉडीगार्ड्स थे, 3 गाड़ियाँ थी, तो इनको और पैसे की ज़रूरत क्या थी। जो कि ये प्रवचन पे यही बोलते हैं कि भैया पैसे को ज़िंदगी में कोई महत्व है ही नहीं, तो फिर पैसे के लिए इतना वैल्यू क्यों। अब जब इन्होंने एक शो में गए, वहाँ पे हर शो करते हैं, तो यहाँ पे भी शो पे भी लोगों को जानकारी देने के लिए नहीं बुलाया जाता, इनको अपनी इज्जत गिरा के पैसे कमाने के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि शो में गए कि इन्होंने कहा गोबर के लिए, अरे आप इतने विद्वान हैं तो आप अच्छी चीज़ों से कहिए कि हाँ देखिए इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती है। जैसे कि कोई जानवर भी अगर होता है तो उससे दवाइयाँ तैयार होती है, तो वो एक प्रोसेस होता है, तो आप उस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन आप लोगों को ऐसे वहम में डाल के और फालतू चीज़ें करने से अच्छा है कि आप ओरिजिनल चीज़ें बताओ ना लोगों को, यहाँ देखिए ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके को ऐसे करना चाहिए, हिंदू धर्म के अंदर गोबर को इस तरीके से मान्यता दी गई है। और पहचानने वाली अगर बात कर रहे हैं तो भैया पहचानने वाली तो ऐसा नहीं है कि कोई पहचाने के नहीं, हर इंसान पहचान नहीं सकता है, ये गलत तरीका है। किसी पे इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कि भैया आप गोबर को कल ले जाके दे रहे हो, कह रहे हो पहचानिए, पहचानेगा कैसे कोई। हम लोग खुद भी अगर घर पे पूजा पाठ होता है, हम लोग जाते हैं लेने, तो वहाँ पे बोलते हैं कि हमको गाय का गोबर चाहिए, अभी थोड़ी ही कहते हैं कि जाओ वहाँ गोबर इतना सारा है, जाके वहाँ गोबर से उठा लो, कोई भी पसंद कर लो, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल गलत तरीका है। और इसी तरीके से आप जलील करोगे भैया तो फिर बहुत गलत है, आप किसी को ऐसे हर्ट ना करें। अब मैं बाबा जी से भी ये कहूँगा कि आप उतना ही चलें जितना कि देश के लिए अच्छा है, हमारे हिंदू धर्म के लिए अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर अच्छा है।